हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फोकस न्यूज़ में। आप देख रहे हैं डेली फोकस न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल की घंटी को भी दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ताज़ा खबरों के मुताबिक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है, जिसमें धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बेतिया जिले के नरकटियागंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में करीब करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। हुड़दंगियों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दुकानों के फाटक, काउंटर, शीशे आदि को तोड़फोड़ दिए हैं। मौके पर एसडीएम पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि मुहर्रम जुलूस आर्य समाज रोड से होकर मस्जिद की ओर जा रही थी, तभी शरारती तत्वों की वजह से दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। मुहर्रम के जुलूस के दौरान मंगलवार की देर शाम मनुआ पुल थाने जोखा स्थित करबला के समीप उपद्रवियों ने एक पुलिस जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया, बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं रोडबाजी में पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मुहर्रम का जुलूस करबला पहुंच रहा था, तभी जोखा रेलवे ढाला पर बानोछापर ओपी का गश्ती वाहन रेलवे ट्रैक पार करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण फंस गया। इसी दौरान रास्ता साफ होने में विलंब को लेकर असामाजिक तत्व आक्रोशित हो गए और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ करने लगे। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करना चाहा तो उन पर भी हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार, बानोछापर के SI नवीन शर्मा और आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसी दौरान उपद्रवियों के द्वारा बाइकों में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही SP जयंत कांत, DM नीलेश रामचंद्र देवरे घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। जख्मी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कार्तिक